हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताना चाहूँगा रीट पात्रता को लेकर, ठीक है ना। कि रीट पात्रता है राजस्थान में अब दोस्तों कब दोबारा शुरू होने वाली है, क्या आपको अक्टूबर नवंबर या दिसंबर, क्या इन 3 महीनों में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है या नहीं। और उसके अलावा जो 34,000 पदों पर नई रीट भर्ती का जो आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों उसका आयोजन है वो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो नए साथियों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे हैं जिनका रीट पात्रता क्लियर नहीं हुई थी। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कम से कम अभी भी 7 से 8 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रीट पात्रता अभी भी क्लियर नहीं हुई है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्दी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको नवंबर व दिसंबर के आसपास, क्योंकि नवंबर में संभव नहीं हो पाएगा, दिसंबर में आपको हो सकता है रीट पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है दोबारा करवाया जा सकता है, क्योंकि NCT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो दोस्तों, जो अभी ये भर्ती वर्तमान में चल रही है, ये पहले क्या है, जल्दी कंप्लीट हो जाती तो अब जो रीट पात्रता का आयोजन है वो पहले का ही हो चुका होता। लेकिन दोस्तों उसके बाद बात की जाए कि भाई जो 34,000 नई रीट भर्ती हैं तो फिर वो कब आ सकती है, देखो दोस्तों उसको आने में समय लग सकता है ना। हो सकता है कि भाई 2024 के आपको अगस्त या सितंबर भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम है कितनी जल्दी जारी होता है, ठीक है। तो जिन साथियों की पात्रता क्लियर नहीं हुई है तो थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, और आप अपनी, जो भी मेरा ये मानना है, यदि आप इसके इच्छुक हैं तो आप पात्रता की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 5 जो बुक आती है वो पढ़ लेना, जैसे साइकोलॉजी की हो जाएगी, अपनी लैंग्वेज की हो जाएगी, हिंदी की हो जाएगी, संस्कृत की हो जाएगी, जैसे आप सब्जेक्ट से हैं तो आपकी सब्जेक्ट की हो जाएंगी, इनको पढ़ लेना, आराम से आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। कोई इसमें माथापच्ची वाली बात है नहीं, नहीं तो मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना के कि सबसे जो जिस बुक की लैंग्वेज है सबसे इजी है, ठीक है ना, यानी जिसकी सिंपल लैंग्वेज है, मैं आपको बुक भी बता दूंगा, आप उनको पढ़ लेना, आपकी गाड़ी है आराम से पार हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।